नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 5th का EVS। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी हम लोगों की तरह देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। वो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और वो महसूस भी करते हैं। अगला पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ जब खाने की खोज में निकलती हैं तो इसमें सबसे आगे चलने वाली जो चींटी होती है वो फेरामोन्स नामक पदार्थ छोड़ती है जिससे कि पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और चींटियों में सूंघने की प्रबल क्षमता होती है, तो फेरामोन्स नामक पदार्थ की वजह से ही चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलती रहती हैं। अगला पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो होता है, अपनी ये फीमेल जो होती है उसको उसकी गंध से ही पहचान जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। अब जैसे हम गर्मियों में होते हैं, सोचते हैं कि मच्छर ने हमें कैसे ढूंढ लिया, तो इसके लिए जो मच्छर होते हैं वो हमारे शरीर की गर्मी से और पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी गंध से या शरीर की गंध से ही ढूंढ लेते हैं हमको, मतलब इंसान का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है, जब ये पक्षी जो बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं तो इनकी दोनों आँखें होती हैं एक ही चीज़ पर होती हैं। अगला पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। कुछ पक्षी जो होते हैं वो उनकी आँखों की पुतली नहीं घूमती है, तो उनको देखने के लिए अपनी गर्दन को ही घुमाना पड़ता है। गर्दन घुमाकर ही वो चारों तरफ देख सकते हैं। वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, जैसे चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी। और चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो होते हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। नेक्स्ट है, रात्रि में जगने वाले जानवर हर वस्त रात में जगने वाले जानवर हर वस्तु को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को केवल सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। अगला है, सांप में बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर चलने के कारण जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। सांप में जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप जमीन पर रेंगता है इसलिए जमीन पर जो भी कंपन होता है वह उसे जल्दी से सुन पाते हैं, उसे ही केवल सुन पाते हैं, देख पाते हैं। अगला है, सांप में बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर चलने के कारण जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। सांप में जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप जमीन पर रेंगता है इसलिए जमीन पर जो भी कंपन होता है वह उसे जल्दी से सुन पाते हैं, उसे ही केवल सुन पाते हैं। अगला पॉइंट है, लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। स्थिति में पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब पक्षी भी किसी ऐसी मुसीबत में होते हैं तो वो भी एक खास प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देते हैं जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उनका साथी जो है वो मुसीबत में है। अगला पॉइंट है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो होती हैं वो जब कोई खतरा आता है तो उसकी चेतावनी दूसरी मछलियों को बिजली की तरंगों से देती हैं। अगला पॉइंट है, 2004 दिसंबर में आई सुनामी ने कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति के लोग समझ गए थे। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था और अपनी जान बचाई थी। 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी जिसे अंडमान में रहने वाले एक आदिवासी जाति के लोग समझ गए थे और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया जिससे उनकी जान बच गई थी। अगला पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर की अपनी भाषा होती है। अगला पॉइंट है, छिपकलियाँ सोने के लिए सर्दी में विलुप्त हो जाती हैं। हम देखते हैं कि छिपकली जो हमें केवल गर्मी में ही दिखाई देती है,
सर्दियों में नहीं दिखाई देती तो छिपकली जो होती है सोने के लिए गर्मियों में सर्दियों में विलुप्त हो जाती है। स्लॉथ, स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ जो आकार में बिल्कुल भालू जैसा होता है और ये पेड़ पर ही रहते हैं और उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, जब ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के सारे पत्ते खा लेते हैं तब पास के पेड़ों पर चले जाते हैं। और ये दिन में जो है करीब 17 घंटे पेड़ पर सोते हैं, और वो सोते हैं जो उल्टे लटक कर ही सोते हैं। और स्लॉथ का जीवन काल लगभग 40 वर्ष माना जाता है। पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूमते हैं और इस सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो सप्ताह में केवल एक बार ही नीचे आते हैं और इनका जीवन काल है जो लगभग 40 वर्ष तक होता है। और इनका आकार जो होता है बिल्कुल भालू जैसा होता है और स्लॉथ जो हैं 17 घंटे सोते हैं और वो भी पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की सारी पत्तियाँ खाते हैं। और यहाँ और ये है कि कौन सा जानवर कितनी देर तक सोता है। गाय जो है वो 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, अजगर जो है 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट है बाघ के बारे में रोचक तथ्य। बाघ, बाघ में सॉरी बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो है अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ के गुस्से में आवाज़ अलग होती है जब वो कराहता है और गुर्राने की आवाज़ें दोनों अलग होती है। बाघिन को बुलाने के लिए भी उसकी आवाज़ अलग होती है। बाघ जो है वो हवा से पत्तों के हिलने, झाड़ियों के हिलने और शिकारी के आने से झाड़ियों के हिलने या फिर शिकार के झाड़ियों से हिलने की आवाज़ को भांप लेता है और उसके अंतर को समझ जाता है। अगला है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की गंध को पहचान लेता है और जो बाघ होते हैं अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं उससे उनका इलाका निर्धारित किया जाता है। और कुत्ते भी इसी तरह से अपने इलाका निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ के जो कान होते हैं बाहर की आवाज़ को सुनने के लिए इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा ही घूम जाते हैं। अगला पॉइंट यही है जो बता चुके हैं, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट है शिकार करने का मुख्य कारण क्या होता है। देखते हैं, गैंडे का शिकार जो है सींग के लिए किया जाता है, हाथी का शिकार दांत के लिए किया जाता है और कस्तूरी हिरण का शिकार खुशबू के लिए किया जाता है। मगरमच्छ और सांप का शिकार जो है खाल के लिए किया जाता है। अगला है हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारी सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जो जो सांप, नेक्स्ट पॉइंट है जो सांप को अपनी थुन पर नचा सकते हैं उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे सपेरे भी कह सकते हैं जो सांप को अपनी धुन पर नचाते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, घाना पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिम कार्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में है और घाना पार्क राजस्थान के भरतपुर में। कभी कभी ऑप्शन में घाना पार्क राजस्थान या भरतपुर ना होके राजस्थान होता है या फिर केवल भरत दिया होता है। अगला है नाग गुफन क्या है। देखते हैं नाग गुफन क्या है। नाग गुफन जो है एक ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। डिजाइन रंगोली कढ़ाई होती है जो दीवारों को सजाने के लिए गुजरात सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में सांप भी देते हैं, सांप देते हैं। और कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच
नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट है बीन पार्टी के बाजे, बीन तुम्बा खजरी और ढोल। बीन तुम्बा खजरी और ढोल, ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन तुम्बा खजरी जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लास 5th का AVS समाप्त हो गया। थैंक्स।